जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल करीम और मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं खिजर वसीम और आप देख रहे हैं खिजर सपोर्ट्स। आज की जो वीडियो है उसमें एशिया कप 2023 की मेज़बानी यानी कि होस्टिंग राइट्स के लिए पाकिस्तान को एक बड़ी जो है खुशखबरी मिल गई है, यानी कि जो श्रीलंका है और बांग्लादेश है इन्होंने जो अपने वजन के वोट हैं वो पाकिस्तान के पड़ने में डाल दिए हैं, यानी कि जो अब पाकिस्तान में जो एशिया कप के जो होस्टिंग राइट्स हैं जो पाकिस्तान को मिले हुए थे क्या वो पाकिस्तान को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो वो कितने मैचेस के मिल रहे हैं, क्या स्टोरी आ रही है, जो बाकी मैचेस होंगे वो कहां पर खेले जाएंगे, किस वेन्यू के ऊपर खेले जाएंगे। आज की ये जो हमारी वीडियो है इसका ये हिस्सा रहेगा। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर लेना है। जी खिजर, जरा बताइएगा कि जो एशिया कप 2023 के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है, यानी कि पाकिस्तान का जो मौकफ़ है ये क्या कहना, जो BCCI है यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड है और जो एशिया क्रिकेट बोर्ड है वो क्या है मान गए हैं, और अब पाकिस्तान को कितने जो मैचेस हैं ये मिलेंगे और जो बाकी मैचेस हैं ये किस वेन्यू के ऊपर मुंतकिल होंगे। तो हम आपको बताते जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो एशिया कप को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन फाइनली जो है वो आज एशिया कप का काफ़ी हद तक जो है वो फैसला हो चुका है और कुछ जो फैसला रह गया है वो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो जय शाह की ज़ेर सदारत जो है वो UAE में एक इजलास होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उसमें मुकम्मल जो है वो कन्फर्म हो जाएगा कि जो जय शाह के को उन्होंने प्रपोजल जो PCB ने पेश किया था जय शाह को, उसमें शुरू के जो 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, जिसमें पाकिस्तान और नेपाल और इंडिया जिस पोल में है उसमें पाकिस्तान और नेपाल का मैच जो है वो पाकिस्तान में होगा। इसके बाद जो है वो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो मैचेस हैं वो पहले ग्रुप मैचेस जो 3 मैचेस होने हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर होंगे। टोटल जो पाकिस्तान के में इब्तदाई जो 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। इसके अलावा एशिया कप जो है वो श्रीलंका में शहर शिफ्ट कर दिया जाए या UAE में या इंग्लैंड में, इन 3 जो कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं, लेकिन जो BCCI है वो ज़्यादा प्रेशर जो है वो श्रीलंका की तरफ ले जाने के लिए कर रहा है तो श्रीलंका में ही जाएगा, लेकिन PCB की फाइनली जो है वो बात मान ली गई है और बांग्लादेश और जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दे दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इब्तदाई 4 मैचेस जो हैं वो दिए जाएँ और इसके बाद जो है वो एशिया कप किसी और मुल्क में जहाँ भी जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाना चाहती है तो करवा सकती है। तो अब काफ़ी हद तक एशिया कप का फैसला हो चुका है, आगे इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जय शाह की मीटिंग होगी, उसके बाद जो है वो एशिया कप का मुकम्मल जो है वो शेड्यूल भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ये जो हमारा आज का शो है ये आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।